नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल न्यू गैजेट्स में। और आज हम आपके लेके आए हैं, थोड़ा बहुत लेट ही सही लेकिन आपके लिए लेके आए हैं, Xiaomi का Redmi Note 5 Pro, जिसकी आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। और हम देखने वाले हैं कि क्या Xiaomi Redmi Note 5 Pro में सच में दम है या फिर नहीं है, या फिर वैसे ही जो रूमर्स आ रहे हैं। तो हम करते हैं इसके अनबॉक्सिंग और हम देखते हैं कि क्या Redmi Note 5 Pro आपके लिए है या फिर नहीं है। तो करते हैं इसके अनबॉक्सिंग। तो कर देते हैं इस फोन को जल्दी से अनबॉक्स और हम देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस जो है हमें कैसा जो है दिखाई देता है। आपको जो है कुछ बॉक्स इस तरीके से दिखाई देता है। फ्रंट पे लिखा है Redmi Note 5 Pro by Xiaomi। यहाँ पर जो है 4 कलर मेंशन है, आप देख सकते हैं, लेकिन अभी जो कलर अवेलेबल है मार्केट में वो है यहाँ पर ब्लैक कलर और गोल्ड कलर। चलते हैं बॉक्स के बैक साइड में, देखते हैं कि क्या क्या की फीचर जो है इसमें हाईलाइटेड है। यहाँ पर मेंशन है 5.99 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जहाँ पर आपको मिलता है स्क्रीन रेशियो वो है 18:9 का स्क्रीन रेशियो। बात करते हैं यहाँ पर कैमरे की, मेंशन है यहाँ पर 12MP प्लस 5MP डुअल कैमरा। जैसा कि हमें जो है बहुत बेसब्री से इंतजार था डुअल कैमरे का Xiaomi Redmi Note 5 में, तो Xiaomi ने Redmi Note 5 Pro के अंदर जो है डुअल कैमरा जो है दे दिया है। बात करते हैं यहाँ पर चिपसेट की, तो वो यूज किया गया है यहाँ पर Snapdragon 636। यहाँ पर 4000mAh की हाई कैपेसिटी बैटरी आपको जो है देखने को मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पर फ्रंट कैमरे की, तो मिलता है 20MP का फ्रंट कैमरा जो कि है सेल्फी लाइट के साथ में। तो ये आपको जो है कुछ की फीचर जो है इसमें हाईलाइटेड जो है देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं बॉक्स के राइट और लेफ्ट साइड में, तो मेंशन है Redmi Note 5 Pro और राइट साइड में भी Redmi Note 5 Pro। तो कर देते हैं इस फोन को जल्दी से अनबॉक्स और हम देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस जो है कैसा जो है हमें देखने को मिल जाता है। हमने कर दिया है इस बॉक्स को अनबॉक्स और आप देख सकते हैं सबसे पहले मिलता है हमें एक और बॉक्स इसके अंदर, जहां पर अवेलेबल है एक सिलिकन कवर जो कि Xiaomi ने पहली बार जो है Xiaomi Redmi Note 5 और Note 5 Pro में जो है दिया है। इसके नीचे अवेलेबल है एक फोन, जहां पर हम बात करते हैं अवेलेबल है हमारे पास ब्लैक कलर। बात करते हैं डिजाइन और लुक फील की, काफी अच्छा जो है लुक फील हमें जो है इस फोन का जो है हमें देखने को मिल जाता है। रखते हैं इसको एक बार साइड में। अवेलेबल है इसके अंदर बॉक्स में यहाँ पर कुछ मैनुअल गाइड्स, और इसके अलावा आपको मिल जाता है यहाँ पर चार्जर और डेटा केबल आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि Xiaomi के एक्सेसरीज में यही चीज हमें जो है देखने को मिलती है। बात करते हैं चार्जर आउटपुट की, तो वो मिलता है आपको यहाँ पर 5.2 एम्पीयर का आपको यहाँ पर जो है आउटपुट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है ये कुछ एक्सेसरीज आपको जो है बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती है, जहाँ पर अवेलेबल है मैनुअल गाइड, यहाँ पर कवर और फोन आपको देखने को मिल जाता है, चार्जर डेटा केबल आपको जो है देखने को मिल जाती है। तो कर देते हैं सारी एक्सेसरीज को साइड में और करते हैं फोन को स्टार्ट। हम देखते हैं कि फोन का परफॉर्मेंस जो है कैसा हमें जो है दिखाई देता है। उनको स्टार्ट करने से पहले लेते हैं फोन का फिजिकल ओवरव्यू। तो ये है 5.99 इंच का डिस्प्ले, यहां पर आपको यूज किया गया है 18:9 का स्क्रीन रेशियो। आपको जो है बैक की, होम की और रिसेंट की आपको जो है टच की नहीं मिलेगी, जो कि है सॉफ्ट की, जो कि स्क्रीन पर ही जो है अवेलेबल है। चलते हैं बॉक्स के बैक साइड में, मेंशन है यहाँ पर MI और यहाँ पर चल देखते हैं ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर आपको मिलता है डुअल रियर कैमरा, जिसकी बेसब्री से हमें सबको इंतजार था, तो यही है वो डुअल रियर कैमरा। साथ में मिल जाता है आपको यहाँ पर LED फ्लैश, जो कि है वो भी डुअल LED फ्लैश मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर उसके नीचे की साइड में, और यहाँ पर उससे नीचे मिलता है MI की ब्रांडिंग। तो ये आपको जो है कुछ बैक साइड में आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं फोन के लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर आपको मिलती है सिम ट्रे, जहाँ पर आप यूज कर सकते हैं हाइब्रिड स्लॉट, या तो आप दो सिम कार्ड या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड जो है यूज कर सकते हैं। चलते हैं फोन के ऊपर की साइड में, आपको मिल जाता है यहाँ पर IR ब्लास्टर के कुछ सेंसर। चलते हैं फोन के राइट साइड में, मिल जाता है आपको यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन की और पावर ऑन ऑफ की आपको जो है देखने को मिल जाता है। चलते हैं फोन के नीचे की साइड में, आपको मिल जाता है यहाँ पर स्पीकर, और साथ में मिल जाता है यहाँ पर चार्जिंग स्लॉट, जो कि नॉर्मल USB केबल वाला चार्जिंग स्लॉट आपको जो है देखने को मिल जाता है। साथ में मिल जाते हैं 3.5mm जैक और नॉइस एक्टिव कैंसलेशन माइक आपको जो है देखने को मिल जाता है। कर देते हैं फोन को स्टार्ट और हम देखते हैं फोन का परफॉर्मेंस जो है कैसा हमें जो है दिखाई देता है। तक ये फोन स्टार्ट हो जाता है, हम इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलता है 5.99 इंच का IPS डिस्प्ले, जहां पर रेजोल्यूशन यूज किया गया है वो है फुल HD प्लस, जहां पर पिक्सल यूज किया गया है वो है 1080x2160 पिक्सल। बात करते हैं यहाँ पर कैमरे की, तो वो यूज किया गया है 12MP प्लस 5MP का डुअल रियर कैमरा। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो वो यूज किया गया है जो कि है 20MP का आपको जो है फ्रंट कैमरा आपको जो है देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर चिपसेट और CPU की, तो चिपसेट इसमें यूज किया गया है वो है Snapdragon 636। CPU की बात करते हैं, तो वो मिलता है 1.8GHz का आपको यहाँ पर जो है CPU मिल जाता है ऑक्टाकोर के साथ में। बात करते हैं यहाँ पर GPU की, तो मिलता है यहाँ पर Adreno 509 का GPU आपको जो है देखने को मिल जाता है।
बात करते हैं वेरिएंट की, तो वो आते हैं यहाँ पर 4 GB, 64 GB और 6 GB, 64 GB। लेकिन अभी अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो आपको मिलेगा 4 GB और 64 GB। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है कुछ सेंसर आपको जो मिल जाते हैं वो है फिंगरप्रिंट सेंसर, एक्सेलोमीटर सेंसर, जैरो सेंसर, प्रॉक्सिमिटी कंपास सेंसर आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं बैटरी की, तो वो है 4000 mAh की बैटरी आपको जो है देखने को मिल जाती है। तो ये आपको जो है कुछ स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है मिलता है गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, लेकिन कौन सा प्रोटेक्शन मिलता है वो जो है डिफाइंड नहीं किया है शॉमी ने। हाइब्रिड स्लॉट आपको मिलता है जो कि आप जो है डुअल सिम या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड जो है आप यूज कर सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको जो है इस फोन में जो है देखने को मिल जाते हैं। ये फोन हो गया है स्टार्ट, आप देख सकते हैं कुछ यूजर इंटरफेस जो है इसका वही है जो कि हमने रेडमी नोट 5 के अंदर जो है देखा है, वही सेम एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल है रेडमी नोट 5 वाली। चलते हैं फोन की सेटिंग में, आपको चलते हैं यहाँ पर अबाउट फोन में ले चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर अबाउट फोन में क्या स्पेस क्या रैम जो है फिर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर है डिवाइस नेम Redmi, मॉडल नंबर Redmi Note 5 Pro, अवेलेबल है Android वर्जन 7.1.1, नॉगट वाला वर्जन आपको जो है देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहां पर MIUI 9 वर्जन मिलता है 9.2 का। बात करते हैं CPU, लिखा हुआ है 1.8 GHz का Octa-Core CPU, RAM लिखी हुई है 4 GB की, इंटरनल स्टोरेज जो है 64 GB। अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो 53.04 आपको जो है फ्री स्पेस आपको जो है देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसके अलावा और भी कुछ जो है सिक्योरिटी वर्जन, बेस्ट ब्रांड वगैरह वर्जन, कर्नल वर्जन वगैरह आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा चलते हैं फोन के डिस्प्ले की साइड में, जहां पर यूज किया गया है फुल HD प्लस डिस्प्ले। यहां पर देखते हैं, प्ले करते हैं एक वीडियो, हम देखते हैं कि यहां पर जो है परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल जाता है इस फोन के डिस्प्ले का। आप देख सकते हैं यहां पर एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इस डिस्प्ले का। यहां पर जो है क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी एक अच्छी जो है हमें देखने को मिल जाती है इस फोन के डिस्प्ले के साथ में। इसके अलावा चलते हैं फोन के कैमरे की तरफ, जहां पर सबको बेसब्री से इंतजार था जो कि है 12 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। यहां पर आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। आपको जो है कैमरे के अंदर कुछ मोड्स मिल जाते हैं जो कि है शॉर्ट वीडियो, वीडियो फॉर्ट, पोर्ट्रेट, स्क्वायर आपको पैनोरमा मिल जाता है और मैनुअल मोड आपको जो है देखने को मिल जाता है। हम कैप्चर करते हैं कुछ यहाँ पर फोटो, मतलब नॉर्मल वाले मोड पर आपको जो है कैप्चर करके दिखा देते हैं एक इमेज। हमने कर ली है यहाँ पर कुछ इमेजेस कैप्चर, आप देख सकते हैं ये है एंड्रॉइड वाली इमेजेस की फोटो, आप देख सकते हैं Redmi Note 5 Pro का बॉक्स। यहाँ पर जो है काफी अच्छी क्वालिटी आपको जो है देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ये वाली जो फोटो है हमने कैप्चर करी है पोर्ट्रेट मोड पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बैकग्राउंड जो है ब्लर है। यहाँ पर जो है क्वालिटी की बात करते हैं तो काफी अच्छी क्वालिटी आपको जो है देखने को मिल जाती है। ये वाली कुछ इमेजेस जो है हमने यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट मोड से जो है कैप्चर करी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बैकग्राउंड जो है ब्लर है। इसके अलावा हमने जो है कुछ कैप्चर करी है फ्रंट कैमरे से, जहां पर आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी आपको जो है देखने को मिल जाती है इस फ्रंट कैमरे की फोटो के साथ में। तो यहाँ पर कैमरे का परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है कैमरे का देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा अब हम चलते हैं सबसे लास्ट में सिक्योरिटी की तरफ, जहां पर आपको मिलती है फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि है फोन के रियर साइड में। हम करते हैं इसको एक्टिवेट, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट का रेस्पॉन्स जो है कैसा हमें जो है दिखाई देगा। निकल लिया है फिंगरप्रिंट को रजिस्टर्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट का एक रेस्पॉन्स काफी अच्छा जो है दिखाई देता है। आपको सिर्फ टच करना है और आपका फोन जो है अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं रेस्पॉन्स की, तो एक काफी अच्छा रेस्पॉन्स यहाँ पर आपको जो है इस फोन के साथ में Redmi Note 5 Pro के साथ में आपको जो है देखने को मिल जाता है। एक अच्छी क्वालिटी इस फोन के साथ में हमें जो है ऑल ओवर फंक्शन के साथ में आपको जो है देखने को मिल जाती है। तो ये था, और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है फेस लॉक आपको जो है देखने को मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा फोन को अपडेट होने के बाद में। हम इसको अपडेट करेंगे और आपको बताएंगे कि फेस लॉक जो है कैसे काम करता है, लेकिन अपडेट करने के बाद में। तो ये थी फोन की अनबॉक्सिंग और एक छोटा सा रिव्यू। तो ये था Xiaomi Redmi Note 5 Pro की अनबॉक्सिंग और एक छोटा सा रिव्यू। हमारा ये मानना है अगर आपका बजट है 15-16 हजार रुपए का तो इससे अच्छा कोई फोन नहीं है। तो यहां पर अगर आप 14,000 रुपीज खर्च करते हैं तो आपको मिलता है यहां पर 4GB रैम, 64GB रैम वाला वेरिएंट, जहां पर एक अच्छा ऑप्शन है Xiaomi Redmi Note 5 Pro। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर खरीदते हैं यहां पर 6GB रैम वाला वर्जन जो कि आपको मिलेगा 16,000 रुपीज का, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप चाहते हैं 6GB रैम यूज करना। लेकिन अभी अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में 4GB 64GB रैम वाला वेरिएंट। 6GB वाला कब तक आएगा लेकिन वो Xiaomi ही बताएगा। तो इतना ही था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव के साथ में, और कमेंट कीजिएगा आप क्या क्या मानना है इस वीडियो के बारे में।
और इस फोन के बारे में। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आपने हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से लाइक भी कर लीजिए, जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि हम वहां पर भी जो है छोटे छोटे अपडेट जो है देते रहते हैं। और इसके अलावा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी फोन स्क्रीन पे जो है आपको न्यू गैजेट्स का आइकन आपको जो है देखने को मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट जो है देखने को मिल जाएंगे। तो इतना ही था आज के वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं अगली वीडियो में।